हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ एक बहुत ही शॉर्ट एडवेंचर और इंटरेस्टिंग ट्रिप के बारे में। जो लोग दिल्ली एनसीआर के नज़दीक रहते हैं उन लोगों के लिए तो ये ट्रिप कमाल का है। मैं बात कर रहा हूँ आज ही, आप समझ गए होंगे शायद मेरी बातों से भी, ऋषिकेश का ट्रिप, जहाँ पर आप बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर मैक्सिमम फन कर पाएंगे। आप 2 दिन का टाइम आपके लिए काफ़ी है, 2 दिन के अंदर आप पूरा इन्जॉय कर पाएंगे आप ट्रिप को। अगर आप सैटरडे का प्लान करें तो बहुत अच्छा रहेगा, आप सैटरडे मॉर्निंग निकल जाइए यहाँ से 8-9 बजे के आसपास। अब इस टाइम में, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि रास्ता इतना अच्छा हो गया है कि ऋषिकेश तक पहुँचने पर अगर आप चाहें तो नॉनस्टॉप भी जा सकते हैं। नॉनस्टॉप भी कोई इशू नहीं है, मतलब रास्ता इतना अच्छा हो गया कि मैक्सिमम 3 से 3.5 घंटे लगते हैं आपको ऋषिकेश तक पहुँचने के लिए। मैं स्टार्ट करता हूँ फिर से इस ट्रिप को, आप कैसे कैसे प्लान कर सकते हैं, कैसे इस ट्रिप में आप मैक्सिमम एडवेंचर कर सकते हैं। अगर आप 8 या 9 बजे भी निकलते हैं अपने घर से आराम से, तो भी आप अगर दिल्ली एनसीआर में कहीं से भी जा रहे हैं तो मैक्सिमम आपको 3 से 4 घंटे लगने वाले हैं बस वहां तक पहुंचने के लिए। जैसे ही आप 4 घंटे में वहां पहुंच जाएंगे, उसके बाद में एक बहुत मतलब 1 से 2 बजे के आसपास वहां पे आप पहुंच जाओगे। जैसे कि मैं अगर आप बजट की बात करूँ, अगर आप अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। नॉर्मली आज के टाइम में सब लोग अपनी पर्सनल कार ही यूज़ करते हैं। अगर आप एक डीजल कार की बात करें, क्योंकि मेरे पास डीजल कार ही है, डीजल कार में एक बार के टैंक फुल में हमारा रिटर्न ट्रिप बहुत अच्छे से हो जाता है और टैंक फुल होने में 3 से 3.5 हज़ार रुपये लगते हैं और 4 लोग इजीली कंफर्टेबल होके जा सकते हैं। तो सबसे पहला खर्चा तो ये हो जाता है कि एक बार का टैंक फुल मैक्सिमम है, मैक्सिमम 3,000 रुपीज़ का फ्यूल आपका लगेगा उसके अंदर। इसके बाद में आप 1-2 बजे के आसपास पहुंचेंगे वहां पे। वहीं ऋषिकेश से आगे जाके, जैसे आप ऋषिकेश से आगे जाएंगे तो आपने वहां पे नोटिस भी किया होगा बहुत सारे एडवेंचर ट्रिप और कैंपिंग वगैरह के काफ़ी सारे शॉप्स और ये बोर्ड्स लगे हुए होते हैं कि कैसे आप अपने ट्रिप को एडवेंचर कर सकते हैं। मैं उसी ट्रिप के बारे में आपको बताऊंगा कैसे आप मिनिमम अमाउंट के अंदर मैक्सिमम एंजॉय ले सकते हैं वहाँ जाके। आपके पास अभी काफ़ी टाइम है, इतनी जल्दी आप कैंपिंग में जाके कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पे आपको इतनी जल्दी जाने का। आप इससे पहले एक और बहुत एडवेंचरस जगह है वहाँ पे, जैसे आप शिवपुरी की तरफ जाते हैं, क्योंकि कैंपिंग का जो एरिया है सारा का सारा वहाँ पे आप ट्रिप बुक करा सकते हैं। बट अगर आपको थोड़ा सा और सस्ता करना है तो आप जाके सीधा डायरेक्ट शिवपुरी जाके किसी भी कैंपिंग वाले से मिलिए और वहाँ पे आप शायद अपने 100-200 रुपये बचा लेंगे पर पर्सन के हिसाब से। अगर आप वहाँ भी बुक करेंगे तो कॉस्टिंग अप्रॉक्स 700 से 800 रुपये, मैक्सिमम 1,000 रुपये आती है एक आदमी की। और अगर आप थोड़ा बहुत बार्गेनिंग करते हैं या फिर आप ज़्यादा लोग हैं तो ये अमाउंट 700 से 800 रुपये तक भी आ जाता है आराम से। तो आप चाहें तो वहाँ बुक कर लें अपने अकॉर्डिंग, या फिर शिवपुरी जाके भी आप बुक कर सकते हैं। उसके बाद में इससे पहले आप पटना फॉल जा सकते हैं, वहाँ पे एक जगह, वहाँ पे बहुत कम लोगों को ये जगह पता है। शिवपुरी जाते टाइम रास्ते में ही अब वहाँ पे थोड़ा बहुत पता करेंगे अगर किसी से भी तो बता देगा आपको। जैसे ही आप पटना फॉल जाएंगे, मतलब इतना सुंदर नज़ारा है, बीच बीच में फोटोज़ में आपको वो दिखता रहेगा, एक मतलब जैसे बाहुबली मूवी देखी ना आपने, वहाँ पे फॉल वगैरह और ये सारी चीज़ें, हालांकि 2-3 किलोमीटर की चढ़ाई है ऊपर पहाड़ों पर जहाँ से आपको जाना पड़ेगा और बहुत इंटरेस्टिंग है वो चढ़ाई, मतलब वो भी एक एडवेंचर ही होता है। मैं कुछ फोटोज़ अपने शेयर करूँगा उस पटना फॉल के व्यूज़ के। तो वहाँ पे आप जाएंगे आराम से अपने 2-3 घंटा स्पेंड कर सकते हैं वहाँ पे, फुल एंजॉय आएगा आपको वहाँ पे। देन उसके बाद में जैसे ही 4-5 बजते हैं शाम को, ये परफेक्ट टाइम होता है कि आप अपनी कैंपिंग में पहुँचे, या तो आपने पहले से बुक किया हुआ है या फिर देन उसके बाद में आप डायरेक्ट शिवपुरी जाके वहाँ पे बुक कर सकते हैं। आप वहाँ पे कैंपिंग पे स्टे करेंगे, अमाउंट मैक्सिमम 800 रुपीज़ से मैक्सिमम 1,000 रुपीज़ आपका अमाउंट जाने वाला है उस कैंपिंग का। बट कैंपिंग की खास बात क्या है, वहाँ पे आपका शाम का डिनर, उसके बाद मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, उसके बाद में वहाँ पे स्टे करना, वो सारी अकोमोडेशन वो वहाँ पे होती है। डिनर में भी आप नॉनवेज खाना चाहते हैं, आप वेज खाना चाहते हैं, आपको जो भी चाहिए वो आपको मिलेगा। अकोमोडेशन कमाल की होती है, शाम को बॉन फायर होता है वहाँ पे, आप फन कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं सारी की सारी। मॉर्निंग में आप स्पॉट्स के भी वो लोग इंतज़ाम रखते हैं, छोटे छोटे ग्राउंड्स बना के रखते हैं जहाँ पे आप फन कर सकते हैं। मतलब आपका पूरा वो दिन शाम से लेके मॉर्निंग तक इतना बढ़िया रहने वाला है, आप वहीं पे रहिए, आपको कुछ भी उसके बाद पे नहीं करना है वहाँ पे। आप डिनर आपका वहीं पे रहेगा, आपका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट वहाँ पे रहेगा। देन उसके बाद में आप उसके बाद में उसी टाइम पे जब आपने कैंपिंग बुक किया था तो उस टाइम पे आप अपनी राफ्टिंग भी बुक कर सकते हैं, या फिर आप जैसे ही आप वहाँ से वापस आएंगे ब्रेकफास्ट के बाद में 10-11 बजे के आसपास, आप वहाँ पे अपनी राफ्टिंग बुक कर लीजिए, या पहले से बुक करके रखिए, या कैंपिंग वाले भी बुक करा देते हैं। राफ्टिंग की जो अमाउंट होती है मैक्सिमम 500 रुपीज़ होती है पर पर्सन, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ऐसा होता है बहुत सारे लोगों को पानी से डर लगता है, बहुत सारे लोगों को एडवेंचर पसंद है,
बट एटलीस्ट लाइफ में ना एक बार राफ्टिंग हर किसी को जरूर करनी चाहिए। मतलब आप ऋषिकेश तक आएंगे, वहाँ से तकरीबन शिवपुरी से 17-18 किलोमीटर की डिस्टेंस है जो आप बोट के अंदर तय करने वाले हैं। बहुत सारे एडवेंचरस रैपिड्स आते हैं उसके अंदर, बीच में एक मैगी पॉइंट भी आता है जहाँ पे एक बीच का ब्रेक होता है, वो वहाँ पे कुछ लोग जंप वगैरह लगाते हैं पानी के अंदर, मतलब जो भी फन होना होता है वहाँ पे कुछ लोग स्टॉल्स भी लगा के रखते हैं मैगी वगैरह का, अगर आपको हल्की फुल्की भूख लगी है तो आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं। राफ्टिंग के अंदर वो एक ट्रेनर आपको देते हैं, एक गाइडर होता है नॉर्मली जो आपको सारी चीज़ें बताता है, जो आपको गाइड करता है, बट फन बहुत ज़्यादा है। मतलब जब भी आप जाएँ राफ्टिंग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अप्रोक्स 3 घंटे का टाइम, 3 से 4 घंटे आप फुल्ली इंजॉय करेंगे पानी में गंगा मैया के साथ में, देन आप आराम से राफ्टिंग करने के बाद में 1-2 बजे तक फ्री हो जाएंगे राफ्टिंग से, पूरा इंजॉय आएगा आपको। फिर आप 1-2 घंटे चाहे तो घूम सकते हैं आराम से, और उसके बाद आप बैक टू होम। मतलब अगर आप मैं अमाउंट की बात करूँ इस ट्रिप के अंदर, तो आपका 3000 रुपीज़ का फ्यूल हो जाता है, 800 रुपये पर पर्सन आपके कैंपिंग के आते हैं पर पर्सन, अगर आप 4 लोग जा रहे हैं, मैं इस ट्रिप को 4 लोगों के हिसाब से बता रहा हूँ, तो लगभग 3000 रुपीज़ आपके कैंपिंग के हो जाते हैं और लगभग 2000 रुपये आपके राफ्टिंग के हो जाते हैं। अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल ट्रिप का जो खर्चा होता है वो तकरीबन 8000 रुपये होता है, 8 को भी मैं मैक्सिमम बढ़ा के 2000 रुपये इसमें और ऐड कर देता हूँ, तो मैक्सिमम अमाउंट जो बैठता है इस ट्रिप का वो 10000 रुपये बैठता है। अगर हम 4 लोगों में इस ट्रिप को डिवाइड करेंगे तो बेस्ट ट्रिप है। 2 दिन आपने फुल इन्जॉय किया पहाड़ों के बीच में, वादियों के बीच में, नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे। अब पूरा मील आपका इसमें इंक्लूडेड होता है, मैंने 2000 और ऐड कर दिया, आप एक्स्ट्रा मील और इन सब चीज़ों के खर्चे अलग से मान लीजिए, तो भी 2500 रुपये में मैं कहता हूँ। अगर 3000 रुपये पर पर्सन भी पड़ जाता है किसी को तो बहुत चीपेस्ट और बहुत बेस्ट टूर है। मैं आप सभी लोगों को गाइड करूँगा कि जब भी लॉकडाउन फ्री हो एक बार इस ट्रिप को ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा, बड़ा अल्टीमेट ट्रिप है। बाकी जब मैं जाऊंगा आपको तो पूरा वीडियो में मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट टाइम आपको कि कैसे कैसे इन्जॉय या कैसे कैसे प्लान करना है अपने पूरे ट्रिप को। अभी कुछ फोटोज़ मेरी बीच में रहेंगी जो आपको दिखाएंगी इस ट्रिप में क्या कुछ हो सकता है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को, और बराबर में जो घंटी का आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा, क्योंकि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा पहले से। बाकी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, मैं आपको अभी चूँकि लॉकडाउन है इसीलिए पूरी तरह से वीडियोस नहीं दिखा पा रहा हूँ ट्रिप की, बट जैसे ही लॉकडाउन ओपन होता है मैं अपने सारे एडवेंचरस ट्रिप की वीडियो आपको दिखाता रहूँगा।